हेलो बेटा, वेलकम बैक। हम आर्टिकल डिटरमिनर्स कर रहे थे बेटा, उसमें हमने आर्टिकल्स कवर किए थे फर्स्ट वीडियो में। आज हम रिमेनिंग जो डिटरमिनर्स हैं उसको कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। डिटरमिनर्स के मैंने बहुत सारे टाइप लिखे थे आपके सामने, सिक्स टाइप्स लिखे थे, जिसमें हमने किसको कवर कर लिया फर्स्ट वीडियो में, आर्टिकल्स को, ठीक है, कि आर्टिकल्स का यूज़ कैसे कैसे होता है। आज जो रिमेनिंग है उनकी बात करेंगे। देखिए, सेकंड वन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा डिटरमिनर है वो है बेटा पोजेसिव, ठीक है। कौन सा है? पोजेसिव। अब देखिए, पोजेसिव की बात करें, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो बेटा ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। वॉच द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट, देन वॉच दिस वन, फिर उसको देखना। देखिए, पोजेसिव मैंने कहा था बेटा, पोजेसिव वर्ड वो होते हैं जो पोजेशन को शो करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे वर्ड होते हैं बेटा माई, आवर, हिज, हर, ठीक है, और योर, देयर, इट्स, ठीक है। इनका यूज होता है पोजेशन के लिए। माई बुक, ठीक है, आर बुक, हिज बुक, हर बुक, योर बुक, देयर बुक्स और इट्स। इट्स बुक तो नहीं हो सकता, इट्स अ टेल, इट्स अ कलर, ठीक है, इट्स कलर इज रेड। मान लो किसी थिंग को एक्सप्लेन कर रहे हो, हम कहें इट्स कलर इज रेड, उसका कलर कैसा है? रेड है। हम कहें देयर फ्रेंड्स, ठीक है, उसके दोस्त हम कहें, ठीक है, आर फ्रेंड्स हम कहें, हमारे दोस्त, ठीक है, आर गेटिंग, आर क्लास, हमारी क्लास, ये आप ऐसे यूज करें। तो ये सारे क्या है, आप क्या दिखा रहे हैं? पोजिशन, भाई मेरी बुक है, उसकी बुक है, ये फीमेल के लिए उसकी है, ये सारे होते हैं पोजेसिव यूज। सबको पता है, आई के लिए पोजिशन लगाना है माई लगाओ, वी के लिए पोजिशन लगाना है आर लगाओ, ही के लिए पोजिशन लगाना है हिज लगाओ, शी के लिए पोजिशन लगाना है हर लगाओ, यू के लिए लगाना है योर लगाओ, दे के लिए लगाना है देर लगाओ, और इट के लिए लगाना है इट्स लगाओ। बस सिंपल सी बात, बहुत सिंपल। गलती आपकी पता है एग्जाम में कैसे आता है, एरर कैसे आता है, वो अगर आई के लिए हिज को यूज कर दें, ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, आई के लिए हिज का यूज कर दें, तो वहां पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आई के लिए माई का यूज होगा। आर यू गेटिंग, जो वो पोजिशन अगर खुद की चीज पे दिखाना चाह रहा है तो माई का यूज करेंगे, ना कि हिज का। वैसे ये वाले एरर बहुत कम आते पोजेसिव वाले, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं ये, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, हमारा नेक्स्ट डिटरमिनर क्या है, थर्ड वाला डेमोन्स्ट्रेटिव। थर्ड हमने लिखा था डेमोन्स्ट्रेटिव बेटा, ये बहुत इजी है, बहुत इजी, बस आपने नेम से इनको टफ बना रखा है, बहुत इजी है। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने लिखे थे बेटा फोर, दिस दैट दीज दोज। अब बताओ इसमें क्या किसी को कोई मुश्किल होगी? कोई मुश्किल नहीं होगी। क्यों? दिस का यूज होता है सिंगुलर के लिए, दिस और दैट दोनों यूज किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। दीज और दोज का यूज किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। सिंपल सी बात है ना भाई, दिस इज माई फ्रेंड, एक के लिए यूज करें तो दिस इज कहेंगे, दीज तो नहीं कहेंगे ना, वी दीज इज माई फ्रेंड, ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे ना, आर यू गेटिंग, या दीज आर माई फ्रेंड, दीज आर माई फ्रेंड, तो आपके दोनों तरीके से गलत है, आर यू गेटिंग। तो वहां पे दीज आर माई फ्रेंड्स प्लूरल के लिए यूज करें तो दीज लगेगा, सिंगुलर के लिए यूज करें तो दिस लगेगा, नियर बाय के लिए दिस, फार अवे के लिए दैट, ठीक है, नियर बाय के लिए दीज और फार अवे के लिए दोस, ठीक है, दिस दैट, ये आपके दोनों, फार दूर कोई चीज हो उसके लिए, दैट आप कोई दूर इंसान खड़ा आप कहें कि भाई दैट इज माई फादर, दैट इज माई फादर, कि वो मेरे पापा हैं, ओके, तो आप वहां पे क्या करें, पॉइंट आउट। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग ही पॉइंट आउट होता है, पास में कोई चीज है तो दिस करके पॉइंट आउट कर दो, दूर कोई चीज है दैट करके पॉइंट आउट कर दो, बहुत सारी हैं तो दीज करके पॉइंट आउट कर दो, पास में ही है, और बहुत सारी है और दूर है तो दोज करके पॉइंट आउट कर दो, सो इजी, ठीक है। चलो तीन हमारे हो गए कवर बेटा, चलिए हमारी रिवीजन चल रही है ये, इसलिए थोड़ा स्पीडली बता रही हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है बेटा, तीन के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कौन से वाला है? डिस्ट्रीब्यूटिव, बहुत इजी है, बहुत इजी। डिस्ट्रीब्यूटिव में बेटा आपके चार वर्ड लिखती हूँ मैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है, इन
चार वर्ड का यूज होता है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है। अब आप कहें मैडम ईच और एवरी तो एक ही बात है, इसीलिए मैंने लिखा है ईच एवरी एक बात नहीं है। देखिए अगर मैं आपके सामने लिखूं ईच ऑफ द टू बॉयज, ध्यान से समझना, ईच ऑफ द टू बॉयज वॉन द प्राइज, ईच ऑफ द टू बॉयज वॉन द प्राइज, ठीक है, उसने ये लिख दिया। दूसरा उसने लिखा एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज बिजी इन हिज वर्क, ठीक है। एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, या एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज प्रेजेंट टूडे इन द क्लास, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज प्रेजेंट टूडे, चलो दोनों तरीके से ठीक है। आप सुनिए डिफरेंस आपको, ठीक है। आप देखो उसने एक में ईच का यूज किया, इसमें एवरी, क्या हम इसको एवरी कर दे, एवरी ऑफ द टू बॉयज, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टंग ये कह रही है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, नहीं, रूल है। रूल क्या कहता है बेटा, रूल ये कहता है ईच का यूज होता है टू के लिए और मोर देन टू के लिए, टू के लिए और मोर देन टू के लिए, और एवरी का यूज होता है ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू, सिर्फ दो के लिए, सिर्फ दो के लिए, नहीं नहीं सॉरी, ओनली फॉर मोर देन टू, ओनली फॉर मोर देन टू, सिर्फ दो से ज्यादा के लिए, ये है क्लियर, ठीक है। अब आप बात करें यहाँ पे दो की बात हो रही, ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज, यहाँ बॉयज आएगा, ईच ऑफ द टू बॉयज वन द प्राइज। अब यहाँ दो की बात हो रही है तो रूल तो हमारा ये कहता है कि भी एवरी का यूज तो मोर देन टू के लिए होगा, तो हम यहाँ एवरी कैसे लगा दें, नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ईच और एवरी में यही डिफरेंस होता है, आपने अपने सेंटेंस में नोट करना पड़ेगा कि भी दैट वन इज यूज फॉर टू और मोर देन टू, कि वो दो के लिए यूज हुआ है या दो से ज्यादा के लिए यूज हुआ है। अगर वो यूज हुआ है बेटा दो के लिए तो ईच ही लगाइए, एवरी मत लगाइए। अगर वहां पे दो से ज्यादा के लिए है तो ईच भी ठीक है, ठीक है, और एवरी भी ठीक है, दोनों आपके करेक्ट हैं, क्योंकि ईच का यूज भी मोर देन टू के लिए हो सकता है और एवरी का यूज भी मोर देन टू के लिए हो सकता है। गुड द पॉइंट, चलिए नेक्स्ट देखिए आइदर और नाइदर। बेटा आइदर का मतलब होता है दो और दो में से, मतलब इन दोनों का यूज दो के लिए ही होता है, इनको रब कर रही हूँ मैं ईच और एवरी को, क्योंकि क्लियर हो गई, ठीक है। आइदर और नाइदर का यूज बेटा दोनों का यूज दो के लिए होता है, ये सबसे मेन बात है। देखो ईच में तो हमारे पास ऑप्शन था दो के लिए फिर दो से ज्यादा, लेकिन ये दो के ज्यादा यूज नहीं हो सकते, आइदर और नाइदर दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होते, ठीक है, समझ आई इतनी बात। अब वो क्या कहता है कि भी आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, ठीक है। अगर वो लिखे यहाँ पे आइदर के लिए, अगर सेंटेंस में यहाँ पे आपके सामने लिखूं आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज, आइदर ऑफ द टू बॉयज कैन सोल्व दिस सम, ठीक है, क्लियर। अब मैं कहें नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज कैन सोल्व दिस सम, ठीक है, समझ रहे एक बार बात को, कैन सोल्व दिस सम, सिंपल सी बात। अब उसने इसका मतलब क्या है, दो में से कोई एक, और इसका मतलब है दो में से कोई भी नहीं। उसने कहा आइदर ऑफ द टू बॉयज, भाई दोनों में से कोई एक तो सोल्व को, सम को जो है वो सोल्व कर ही सकता है। दूसरा कहता है कि दोनों में से कोई भी सम को सोल्व नहीं कर सकते, दोनों ही सम को सोल्व नहीं कर सकते, ये यूज होता है आइदर और आइदर का, ठीक है। आइदर का मतलब यूज दोनों का दो के लिए होगा। अगर वो कह देना आइदर ऑफ द टेन बॉयज,
अगर वो बेटा ऐसे लिख के दे दे तो वो आपका रोंग है, क्योंकि आइदर का यूज सिर्फ दो के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं होता। अगर नाइदर के केस में भी वो यहाँ पे अगर थ्री भी लिख देता है ना, टेन भी छोड़ो, थ्री भी लिख देता है तो भी रोंग है, क्योंकि आइदर और नाइदर का यूज दो के लिए होता है। एरर यहीं से आएगा कि वहाँ पे वो दो से ज्यादा मेंशन कर देगा, तो आपको एकदम से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आइदर इज यूज फॉर टू और नाइदर इज ऑल्सो यूज फॉर टू। ठीक है, हमने कौन सा कवर कर दिया बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर, सिंपल सी बात है। ईच के अंदर दो क्वालिटी है, वो टू के लिए भी यूज होता है, मोर देन टू के लिए। एवरी के अंदर एक ही क्वालिटी है, वो सिर्फ मोर देन टू के लिए होता है। ठीक है, आइदर और नाइदर की बात करें तो वहां पे आपका यूज, और देखो एक बात, अगर वो ये कहना चाहिए दो में से कोई नहीं, दो से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हैं कि कोई नहीं, या आपका टेन में से निकालना चाहे तो मैम यहाँ पे क्या आएगा? ये बात भी माइंड में क्लिक हुई होगी ना भी किसी के, कि मान लो चलो मैम यहाँ आइदर रोंग है, आइदर होता है टेन वॉइस, तो करेक्ट क्या है? तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है बेटा एनी। क्या है? एनी। यहाँ पे करेक्ट है बेटा नन। क्या है? नन। कौन से केस कह रही हूँ मैं? जब दो से ज्यादा हो, जब दस में से कोई एक, ठीक है, जब दो से ज्यादा में से कोई एक तो एनी, ओके। जब आपका दो से ज्यादा में से कोई नहीं तो नन। क्लियर है? हमने 5-6 वर्ड कर लिए, कौन कौन से? ईच एवरी आइदर नाइदर एनी और नन, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्लीट हो गए। कौन से कंप्लीट हो गए बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दो हमारे जो नेक्स्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले न्यूमरल को उठाती हूँ मैं, उसके बाद क्वांटिफायर को उठाऊंगी, क्योंकि क्वांटिफायर थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, दो बचे हैं हमारे, 4 हो गए, 6 मैंने आपको बताए थे टाइप। कौन से 4 हो गए? माइंड में होंगे आर्टिकल डिटरमिनर्स हो गए। ठीक है, सेकेंड हमारे कौन से? पोजेसिव हुए, फिर हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव हुए, फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, 4 हो गए हैं। 5 देखिए न्यूमरल डिटरमिनर्स, कौन सा है बेटा? न्यूमरल। ये भी बहुत ईजी है, जल्दी समझ आ जाता है बच्चों को। देखिए न्यूमरल का आपका न्यूमरल डिटरमिनर जो कि नंबर्स के लिए हो, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो नाउन के लिए यूज हो, ये दो तरह के न्यूमरल वो होते हैं डिटरमिनर्स। एक तो होता है बेटा डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव या डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स या इनडेफिनेट नंबर्स, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, सब ठीक है, दो तरह से होते हैं। डेफिनेट में फिर आगे दो, देखो पहले ये समझ लो डेफिनेट कौन से। डेफिनेट वो बेटा कि जो आपके फिक्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ये आपके फिर यहाँ से आपका डिवीजन अलग हो जाएगा, ये क्वांटिफायर में चले जाएंगे, इसलिए मैंने पहले न्यूमरल उठाया। ठीक है, जिसे हम डेफिनेट वो होते हैं जिसमें हम दो डिवीजन करते हैं, एक होता है बेटा कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ठीक है, कि नंबर तो दो ही तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम कहें 1, 2, 3, 4, या हम कहें 1st, 2nd, 3rd, 4th। ठीक है, यही तो तरीके होते हैं हमारे। ठीक है, ये नंबर नेम तो कहीं भी चले जाएं अरबों खरबों तक, तो कोई लिमिट ही नहीं है, और इनकी भी कोई लिमिट नहीं है नंबर्स की। तो ये क्या है, ये दो तरह के नंबर जो यूज होते हैं, ये होते हैं डेफिनेट के लिए, डेफिनेट के सेंस में। इनडेफिनेट जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, तो कहीं कहीं पे ये अलग कैटेगरी बना दी जाती है, जो मैंने लास्ट कहा था क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स ये आपके बन गए वो जो क्या है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव भी निकाल लो या फिर इसे सम के केस के निकाल लो। ठीक है, जो आपके इनडेफिनेट के लिए, एनी निकाल लो, नो निकाल लो। ठीक है, ये इस तरह के, इसमें आपके दो डिवीजन होते हैं, लेकिन उसको मैं अलग से कराऊंगी क्वांटिटेटिव को, आप इसको समझो। सम स्टूडेंट्स, क्लियर तो नहीं है ना? इनडेफिनेट है नंबर, आपका नंबर कैसा है? इनडेफिनेट है। एनी ऑफ द 10 बॉयज, तो आपका क्या है वहां पे? एनी, इनडेफिनेट है, समझ रहे हो? बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर हो गया, दो के लिए यूज हो रहा है लेकिन इनडेफिनेट है, समझ रहे हो? सेवरल उसने लगा दिया, ठीक है, सेवरल फ्रेंड्स, तो ये भी क्या है आपका? इनडेफिनेट है। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे, तो डेफिनेट नंबर तो हाथ में नहीं आया ना, कैसे नंबर है? इनडेफिनेट है। फिर से समझना, मैं फिर से बताती हूँ, इसको निकाल दो पहले, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, न्यूमरल को निकाला बेटा हमने, हमारा 5th टाइप उठाया न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, न्यूमरल में मैंने डिवीजन किए, एक तो डेफिनेट नंबर, एक इनडेफिनेट।
एक डेफिनेट और दूसरा क्या इनडेफिनेट। डेफिनेट में मैंने दो डिवीजन कर दिए, कार्डिनल और ऑर्डिनल, इनके यूज में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। भी आप 10 स्टूडेंट्स कहना चाह रहे हो तो 10 ही कहोगे, ठीक है, उसमें सिखाने वाली तो कोई बात नहीं है कि 10 को TEN 10 लिखो, ठीक है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। जिसको ऑर्डर में लगाना है, आप फिफ्थ नंबर का स्टूडेंट बोल रहे हो, फोर्थ नंबर का बोल रहे हो, तो उसे फिफ्थ फोर्थ ही बोलोगे, उसमें भी सिखाने वाली कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं सीखने हमने ये हैं, सीखने ये हैं सम एनी नो बोथ सेवरल, ठीक है, मच मैनी, मच का यूज क्वांटिटी में करेंगे लेकिन मैनी के साथ ही बताऊंगी मच का, ठीक है। मैनी ये किसके लिए यूज होते हैं, इनडेफिनेट के लिए, ठीक है। अब हम बात करें कि जहां क्लियर नहीं हो, सम का यूज और एनी के यूज का डिफरेंस सुन लो। ये क्लियर हो गया डिफरेंस, अब रूल सुनना, पता लगे डेफिनेट कौन से इनडेफिनेट कौन से। अब रूल समझो कि भाई इनके रिलेटेड आपने रूल क्या याद रखने हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही रूल है, ठीक है, आपके मेन में निकलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं निकलेंगे, जो निकलेंगे वो सारे बता दूंगी। एग्जाम्पल समझ लो पहले, देखिए अब इनडेफिनेट में आपके रूल, पहला पेयर निकलता है बेटा सम और एनी, कौन सा निकलता है सम और एनी, कि सम का यूज कहाँ करेंगे, एनी का यूज कहाँ करेंगे। बेटा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस उसमें यूज होता है एनी का, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है सम का, इसमें एफर्मेटिव में, गॉट इट, विल यू गिव। अब देखो एक बात और, यहाँ पे बेटा इंटरोगेटिव में भी इसका होता है सम का, इंटरोगेटिव में भी सम का होता है, लेकिन वहां पे रिक्वेस्ट की सेंस होती है। बात को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कौन सी सेंस होती है, रिक्वेस्ट की, पहले ये समझ लो, ठीक है। पहले हमने लिखा ही हैज सम मनी, ठीक है, ये सम व्हाटएवर कुछ भी लिख लीजिए, व्हाट इट, हमें ही हैज नो मनी लिखे, आई एम नॉट हैविंग एनी मनी, ही इज नॉट हैविंग एनी मनी, उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, उसने लिख दिया, ठीक है। उसने लिखा डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, इंटरोगेटिव आ गया तो भी आपका क्या लग गया, एनी लग गया, नेगेटिव आ गया तो भी क्या लगा, एनी लग गया, एफर्मेटिव था तो हमने सम लगा दिया, क्लियर। अब इसको समझो, इंटरोगेटिव में भी सम कैसे कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे, विल यू गिव मी सम मनी, विल यू गिव मी सम मनी, ठीक है। अब यहाँ पे वो बेटा क्या कहता है, रिक्वेस्ट की सेंस है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट। तो जब रिक्वेस्ट की होती है ना तब भी सम आ जाता है, रॉन्ग नहीं होता, लेकिन यूजुअली रूल यही कहता है कि सम एफर्मेटिव में और एनी आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, क्लियर सम एनी। चलिए नेक्स्ट देखिए मच मैनी, देखो मच मैनी सबको क्लियर है, मच मैनी में तो कुछ शायद किसी को दिक्कत होगी नहीं। मच का यूज होता है बेटा क्वांटिटी के लिए और मैनी का यूज होता है नंबर के लिए, ठीक है। हालांकि हमारा पार्ट तो है मैनी ही, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ होती है, एरर कहाँ से आती है, मच मैनी से आती है, कि मैनी की जगह मच दे देगा, नहीं हो सकता, क्योंकि मच का यूज किसके लिए होता है, क्वांटिटी के लिए होता है, किसके लिए, क्वांटिटी के लिए, और मैनी का यूज किसके लिए होता है, नंबर के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पे मच पेशेंस, जिसे हम एक दो तीन चार करके काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पे मच, मच शुगर, मच शुगर, मच वाटर, हम एक दो तीन करके काउंट नहीं कर सकते। मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, मैनी फ्रेंड्स, मैनी बुक्स, ठीक है, आप वहाँ पे 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, वहाँ मैनी का यूज होगा, क्वांटिटी के लिए मच का यूज होगा, क्लियर है। चलिए अब बात करें सेवरल की, ऑल की, बॉथ की, सबको पता है फ्यू आपका एक आता है बेटा, इसी में फ्यू, फ्यू के तीन सेंस बनती है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का यूज नंबर के लिए होगा, जिन्हें हम 1 2 3 करके काउंट करते हैं, ठीक है। इसके साथ एरर में आता है लिटल, क्वांटिफायर शायद मुझे साथ रखने चाहिए थे, ठीक है। तो फ्यू का किसके साथ होता है, नंबर्स के साथ, जिन्हें हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, फ्यू फ्रेंड्स, आ फ्यू।
अब ये तीन मैंने क्यों लिखी? तीन मैंने इसलिए लिखी, तीनों का मीनिंग अलग है। फ्यू का होता है बेटा मतलब बिल्कुल नेगेटिव, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, मतलब उसका फ्रेंड्स नहीं है, उसके फ्रेंड्स ही नहीं है, ठीक है। आ फ्यू का मतलब है थोड़े से, ठीक है, आ फ्यू का मतलब थोड़े से। इसमें भी इसका मतलब है थोड़ा, लेकिन इनफ है, काफी है, उसकी जितनी नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इस तरह से होता भी, जैसे वो कहें आई रेड फ्यू बुक्स, मतलब उसने बुक्स पढ़ी नहीं, क्लियर। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, थोड़ी सी पढ़ ली है, सारी नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत सारी बुक्स का ढेर है, उनमें से कुछ पढ़ ली है। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, बुक्स उसके पास थोड़ी सी ही थी लेकिन वो सारी की सारी पढ़ ली उसने, समझ गए व्हाट द पॉइंट। तो द फ्यू का मतलब सारी की सारी, व्हाट इट। चलिए ये आपके ऑल बोथ, और इनमें तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑल का मतलब सारे के सारे, बोथ का मतलब दोनों, सेवरल का मतलब बहुत सारे, जैसा मीनिंग वैसा काम। भाई ऑल का मतलब सारे के सारे, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ का मतलब दो के लिए, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो अभी आप कहेंगे मैडम आइदर नाइदर थे ये बोथ क्यों आया फिर एक, भाई बोथ का मतलब दोनों के दोनों और पॉजिटिव में, ठीक है, बोथ वर प्रेजेंट देयर। आइदर आपका लगाएं तो दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, नाइदर का लगाएं तो दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, तो यहाँ पे तो दोनों है ना, बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट, ठीक है। सेवरल अभी बताया ही था, सेवरल सारे के सारे, तो ये आपके वर्ड्स हैं। प्रैक्टिस से आएंगे बेटा ये पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस इज मस्ट, आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर के बुक उठा के तब आएंगे। चलो ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस तरह से हमारा न्यूमरल खत्म हो गया, अब हमारा सिर्फ क्वांटिफायर बचा है। क्वांटिफायर भी लगभग मैंने बीच बीच में रूल बता दिए, वो सुन लो, लास्ट डिटरमिनर है बेटा क्वांटिटेटिव डिटरमिनर, कौन सा है क्वांटिटेटिव। देखो जो क्वांटिटी को शो करे, अब क्वांटिटी को शो कौन करेगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मच शो करेगा, और क्वांटिटी को कौन शो करेगा, लिटिल शो करेगा, और क्वांटिटी को कौन शो करेगा, सम शो करेगा, यही तो शो करेंगे ना क्वांटिटी को, और बात करें तो क्वांटिटी को कौन शो करेगा, ठीक है, मोर शो करेगा, लेस शो करेगा, मोर हुआ लेस हुआ ये शो करेंगे, ठीक है, जैसे मच मोर मोस्ट, तो मोर आपका जो भी तो क्वांटिटी को शो करता है, तो इन्हीं का यूज़ हमारा किसके लिए होता है बेटा, क्वांटिटी के लिए होता है, बस इतने पे ही हमारी बात ख़त्म है, ठीक है। देखिए अब मच का मतलब क्वांटिटी के लिए यूज़ होगा, लिटल इसकी भी तीन फॉर्म बनती है, लिटल आ लिटल और द लिटल, ठीक है, लिटल आ लिटल और द लिटल, वही अगर बिल्कुल देर से लिटल वाटर इन द जग, मतलब बिल्कुल पानी नहीं है, आ लिटल मतलब थोड़ा सा पानी है, द लिटल मतलब है तो थोड़ा ही लेकिन उसके लिए सेटिस्फैक्टरी है, जितना उसको चाहिए उतना वो है, ठीक है। सम का मतलब सबको पता ही है कि मैंने कहा सम वाटर भी हो सकता है और सम मनी भी हो सकता है, ये नंबर के सॉरी सम फ्रेंड्स भी हो सकता है, ये नंबर के साथ भी यूज़ होता है और क्वांटिटी में भी यूज़ होता है सम का। अच्छा मोर लेस सबको पता ही है, ठीक है, कि मोर का यूज़ आपका किसके लिए यूज़ होता है, वहाँ पे कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है और क्वांटिटी के लिए, आई डू मोर वर्क देन सोहन, में सोहन से ज़्यादा काम करता हूँ, क्लियर। नेक्स्ट मैं लिखूँ शीता डज लेस वर्क देन मी, वो मेरे से कम काम करते, तो मोर का मतलब ज़्यादा, लेस का मतलब थोड़ा, लेस का मतलब थोड़ा, मोर वर्क ज़्यादा काम, ठीक है। तो किसके लिए यूज़ हुआ, क्वांटिटी के लिए ना, 1 2 3 करके काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ये भी किसके लिए, और उसके लिए क्वांटिटी के लिए, क्लियर। तो ये ज़्यादा के लिए, ये थोड़े के लिए, दोनों का यूज़ क्वांटिटी के लिए होता है। गुड दिन, आई होप यू गॉट द डिटरमिनर, समझ आ गए होंगे सबको डिटरमिनर, रिवर्स जाके देख लेना बेटा, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। अभी मैं एक बार बुक पे इसके लेके जाऊंगी कैमरे को, आपको बताऊंगी कि कैसे रिवाइज करना आपने, ठीक है। देखो बेटा ये इधर अब आप देख रहे होगे कि यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे सारे डिटरमिनर्स का यूज़ है, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये सारे जितने भी हमने डिटरमिनर्स करे हैं सबका यूज़ है। देखो पहले को करें, आई लव म्यूज़िक, ठीक है, आई लव म्यूज़िक, तो क्या लगाएंगे, दा लगाएं, ए लगाएं या नो आर्टिकल लगाएं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है वो किसका यूज़ होगा, नो आर्टिकल का, ठीक है, आई लव म्यूज़िक डैश म्यूज़िक इज़ टू लाउड, तो यहाँ पे दा लगेगा क्योंकि हाईलाइट किया जा रहा है ना कि म्यूज़िक बहुत तेज़ है, तो द म्यूज़िक इज़ टू लाउड,
ठीक है। महेश गोज टू स्कूल डेली, देखो हमने प्राइमरी पर्पस किया था, सेकेंडरी पर्पस किया था, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। प्राइमरी पर्पस किया हमने तो डेली जाता है, तो इसका प्राइमरी पर्पस है तो नो आर्टिकल, समझ रहे हो, नो आर्टिकल, क्योंकि वो डेली स्कूल जाता है मतलब पढ़ने के लिए जाता है, रीड्स इन टेंथ क्लास, क्योंकि टेंथ क्लास में पढ़ रहा, आगे इन्फॉर्मेशन दी है उसने। ही वेंट टू डैश स्कूल टू सी द हेडमास्टर, अब देखो वो सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहा है, जा रहा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द आर्टिकल। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था बेटा, वो वीडियो भी जरूर देख लेना, तभी आपके डिटरमिनर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये कौन सा पर्पस हो गया बेटा, सेकेंडरी पर्पस, तो द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। विजय वॉज रस्ट टू हॉस्पिटल यस्टरडे विद द बर्स्ट अपेंडिक्स, देखिए अब वो प्राइमरी पर्पस है, उसे अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स का पेन था तो वो हॉस्पिटल गया, ट्रीटमेंट के लिए गया, तो नो आर्टिकल, क्योंकि ये कौन सा पर्पस है, प्राइमरी पर्पस है, ठीक है। महेश विजिटेड हॉस्पिटल एंड वॉज हैप्पी टू फाइंड हिज ब्रदर कंफर्टेबल, वो क्या गया, अपने ब्रदर को देखने के लिए गया, कौन सा पर्पस, सेकेंडरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस तो क्या यूज़ होगा, द का यूज़ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ डैश बुक्स डू यू नीड, ठीक है, तो हाउ मैनी, क्योंकि मच का यूज़ तो क्वान्टिटी के लिए होता है, ठीक है, और मोर का यूज़ क्या है, बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी आएगा। तो आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे बेटा, प्रैक्टिस करके देखना खुद से, आई होप दैट यू गॉट ऑल द थिंग्स, सबको ये बातें समझ आ गई होंगी, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगी, ठीक है, तो प्रैक्टिस करना। हाँ एक बात और बेटा, लेकिन एग्ज़ाम में बेटा आपके इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह से मतलब ये एडिटिंग वाले, तो आप अपना ये एडिटिंग की प्रैक्टिस करना, ठीक है, कौन से वाली, एडिटिंग की, ये वाली, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो कहाँ एरर है, लेट मी वॉइस द कंसर्न ऑफ अवर एंटायर विलेज, ठीक है, रिगार्डिंग अ डिग्रेशन ऑफ ए नीला लेक, गेटिंग, तो यहाँ पे आपने इसमें से कि भी एरर निकालें कि इस लाइन में क्या रोंग है, समझ रहे हो बात को। तो देखिए आप इसमें आपका मान लो फर्स्ट लाइन में ही हम देखें, तो फर्स्ट लाइन में क्या है बेटा, लेट मी वॉइस द कंसर्न ऑफ आवर एंटायर विलेज, तो यहाँ पे आपका आर्स रॉन्ग है, क्या आएगा, आवर एंटायर विलेज, भाई पोजेशन के लिए हमने पोजेसिव डिटरमिनर किए, तो पोजेसिव में आवर्स थोड़ी था, पोजेसिव में क्या था हमारा, आवर था, आर था ना, ओ यू आर, तो यहाँ एरर है, यहाँ लिख देंगे इनकरेक्ट को यहाँ, करेक्ट को यहाँ, ठीक है, अभी तो चलो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिगार्डिंग आ डी जनरेशन, तो डी जनरेशन किसे पहले, ए नहीं आएगा, यहाँ आएगा द डी जनरेशन, ठीक है। फिर हम बात करें, दिस लेक हैज़ बीन द मेन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स फॉर मच ईयर्स, देखो ईयर्स काउंटेबल है, काउंटेबल है तो मच तो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, क्वांटिटी के लिए होता है, तो यहाँ मैनी आएगा, ठीक है, इस तरह से एरर निकालने हैं, प्रैक्टिस करके देखना, और कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पूछना बेटा, इस तरह की आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ओके। रूल्स मैंने सारे बता दिए हैं, उनको सुनो दो तीन बार और प्रैक्टिस करो, कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके और सोल्व कीजिए और मेरे पास सेंड कीजिए, अगर प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी लाइन में प्रॉब्लम है कि मैम इसका सोल्यूशन बता दो, ठीक है। चलिए ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, ओके, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियोज़ मिल जाएँ, थैंक यू सो मच।